सभापति महोदय, जिस तरह से कोरोना महाकाल के समय हमारे डॉक्टर्स व नर्सिंग वर्कर्स द्वारा देश की सेवा की, वो काबिले तारीफ है और इसके लिए पूरा देश उनको हाथ जोड़ के नमन करता है। परंतु आज मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में उठाना चाहता हूँ। आज देश में यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना अज्ञात कारणों से मृत्यु होती है तो हर इस तरह की परिस्थिति में वास्तविक मौत को का कारण जानने के लिए उसका पोस्टमार्टम होना अनिवार्य होता है। इस पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आती है उसके ही आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है तथा न्यायालय भी उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आधार मानकर अपना फैसला सुनाती है। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी ज़रूरी है तब उसको करने के लिए डॉक्टर जो फॉरेंसिक साइंस में पढ़ाई किए हों होने चाहिए। परंतु ये दुर्भाग्य है कि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में फॉरेंसिक डॉक्टर की कमी होने के कारण अन्य विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी की जा रही है तथा इस कार्य को करने के लिए ज़्यादातर सफाई कर्मचारी व वार्ड बॉय इसको करते हैं और डॉक्टर केवल खाना पूरी करके इसकी रिपोर्ट पे सिग्नेचर कर देते हैं। इस तरह की जिस रिपोर्ट के आधार पर दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी निर्भर हो वह महज खाना पूर्ति के द्वारा पूरी की जा रही है, जिसके उसके कार्यान्वयन पर असर दिखाई पड़ता है और रिपोर्ट में त्रुटि होने की संभावना बन जाती है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वह इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर की मेडिकल में सीट्स की संख्या को बढ़ाए, जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही तैयार करे और वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पीड़ित को उचित न्याय मिल सके तथा साथ ही साथ हर जिले में ऐसी मॉर्चरी का एक प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।